हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सेवन डे स्टडी प्लान फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन मोर स्पेसिफिकली जी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं एक अलग से सेशन कर दूंगा लेकिन फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश यू शुड डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन जुनाओ आप मॉक टेस्ट लें दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा करने का कोई सेंस अभी इस टाइम पर नहीं बनता

जस्ट कवर द कैप्स्यूल सो कैप्स्यूल में आपको सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस सारे एमओयू सारे आपके समिट्स कॉन्फ्रेंसिस अवार्ड एंड ऑनर्स कमेटीज गवर्नमेंट स्कीम्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग एवरी थिंग इन अगल कैप्स्यूल फिफ्टी पेजेस वी टू अभी आ चुका है एंड देर आर अपडेट टिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ ऑगस्ट 2023 तक की सारी अपडेट्स आर अवेलेबल इन द वी टू एंड वील बी रिलीजिंग द वी थ्री एज वेल इन विच विल बी एडिंग द अपडेट्स टिल सेवंथ और एट ऑफ सेप्टेंबर राइट देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर देर आर लाइक थ्री फोर क्वेश्चन येस यू हैड इट राइट आउट ऑफ फोर्टी टू थ्री फोर क्वेश्चन आर देर डायरेक्टली फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो तीन टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस आर वे सर्कुलर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव काइंडेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी इतने को क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट की आउट ऑफ फोर्टीन थर्टी फाइव यहाँ से होंगे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स टू थ्री फोर क्वेश्चन आई आर ए सी नॉम्स वन टू थ्री क्वेश्चन वन टू थ्री क्वेश्चन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वन टू क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर लाइक थ्री फोर क्वेश्चन आर डायरेक्टली देर प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वहां से देर आर एवरी ईयर टू थ्री क्वेश्चन एक एक्सपोर्ट फाइनेंस का टॉपिक है एवरी ईयर देर इज लाइक वन टू वन टू क्वेश्चन इज देयर वन और टू क्वेश्चन इज देयर एंड एक सरफाइसी एक्ट रहेगा आपका यहाँ पे सरफाइसी एक्ट एवरी ईयर देर इज वन टू वन टू क्वेश्चन राइट सो दिस आर द टॉपिक विच आर नॉट देयर इन द कैपस्यूल हाउ यू कैन कवर दैट यू कैन कवर दैट फ्रॉम द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन इन द कॉस आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं एंड हाउ डू यू रिवाइज आप रिवाइज कैसे करोगे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे जस्ट गो थ्रू द सुपरसेट सुपरसेट को आप गो थ्रू कीजिए पावर वीट यू दैट अवेलेबल टिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ ऑगस्ट 2023 तक का अपडेट्स इसमें है V2 में एंड देन वी आर वर्किंग ऑन V3 थ्री जिसमें वील बी एडिंग द अपडेट टिल द डेट लाइक सेवंथ और एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर सुपर सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर सेट में क्या है कि जितने भी ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं द एक्सपोर्ट क्रेडिट सरफाइस ही एक्ट प्रायरिटी सेक्टर डॉक्यूमेंटेशन ये सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं तकरीबन 600 सौ क्वेश्चन सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन आर देयर एंड वी आर इवन एडिंग मोर क्वेश्चन वील बी एडिंग एट लीस्ट हंड्रेड मोर क्वेश्चन एंड लॉन्चिंग द वी टू ठीक है, so, documentation में बताना भूल गया उसमें आपने देखा होगा स्टैंप ड्यूटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट लिमिटेशन एक्ट राइट यहां से आपको कुछ एक क्वेश्चन दिखे होंगे यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू द इंटायर बेयर बेर एक्ट पे मत जाइए आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए इसी में से ए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा मैंने पढ़ाया है डॉक्यूमेंटेशन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शंस याद करने जरूरी हैं आरबी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शंस याद करने जरूरी हैं इफ यू आस्क मी सर सेक्शन याद करने जरूरी हैं येस इट इज इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वेन इट कम्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वेन इट कम्स टू द आरबी एक्ट ठीक है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते सरफाइसी एक्ट में उतने सेक्शंस वगैरह है नहीं है बट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट द लिक्विडेशन का होल प्रोसेस हाउ द सेटलमेंट्स आर डन वो पूरे का पूरा प्रोसेस क्रेडिट कमेटी कैसे बनती है वो पूरा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके सो सुपर सेट वी आर एडिंग द वी टू ओके एंड उसका वी थ्री हम बनाएंगे पावर कैप्सूल का फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन में वॉट एवर द पेंडिंग टॉपिक्स आर देयर आर नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट आई आर ए बैंकिंग रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रायरिटी सेक्टर एक्सपोर्ट फाइनेंसर फाइसी ऐसे सारे बहुत सारे और टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन में एंड पावर कैप्सूल एंड सुपरसेट दे आर देआरऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन ओके सो हाउ यू कैन गेट दिस लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वहाँ पे क्लिक करके आप इसको जो है डाउनलोड कीजिए इसको पढ़िए ठीक है गो थ्रू कीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड लास्ट के दस दिनों में तैयारी करके भी यू कैन ईजिली स्कोर लाइक आउट ऑफ फोर्टी यू कैन ईजिली स्कोर लाइक सेवनटीन एटीन ये बहुत ही ईजी ईजी uh, है इतना स्कोर करना ट्रस्ट मी आउट ऑफ फोर्टी ट्वेंटी क्वेश्चन ईजी होते हैं बहुत ईजी होते हैं सात आठ दस क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े टफ होते हैं राइट right? एंड बाकी uh, आप कह लीजिए इंटरमीडिएट काइंड ऑफ डिफिकल्टी बाकी क्वेश्चन सात आठ क्वेश्चन ही होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट कई बार आते हैं कुछ आइडिया नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेज पावर कैप्स्यूल सुपर सेट फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन पावर कैप्स्यूल इफ यू सी टू हंड्रेड एंड थर्टी पेजेस ऑफ कॉन्टेंट ए फोर शीट है फॉन्ट काफी बड़े हैं हमारे और हमने टू कॉलम नहीं किया है क्योंकि टेबल्स से राइट सुपर सेट में क्या है क्वेश्चन हैं सिक्स हंड्रेड दो सेटिंग में कंप्लीट कर लेंगे आप ठीक है दो सेटिंग भी नहीं लगेगी संडे को कल आप बैठेंगे एंड विद इन लाइक फोर फाइव आवर्स सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन वुड बी डन आई मीन ईजिली आई मीन डायरेक्टली क्वेश्चन इज ईयर देन आंसर इज ईयर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर राइट सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल मैं तो कहूँगा सुपर सेट से स्टार्ट करें वो करके क्या आपको आइडिया हो जाएगा कि डू यू रियली नो द टॉपिक और नॉट आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते तो मैं तीन चार क्वेश्चन करें मुझे आते ही नहीं है मेरे आंसर गलत आ रहे हैं तो आप वो पूरा टॉपिक पढ़े फिर अब नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के पच्चीस क्वेश्चन है आप करें अटैम्प्ट अगर आपसे नहीं हो रहे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या फिर आप पूरा पढ़ें आप ठीक है अगर आप प्रायरिटी सेक्टर लर्निंग के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे तो दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजीजी ऐसे ही पढ़ना चाहिए आप सुपर सेट से अभी स्टार्ट करें लास्ट के एक वीक में नहीं समझ आ रहा तो पावर कैप्सूल फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन पर मूव करें

मैं वही आर बी सर्कुलर वही स्टैटिक बैंकिंग वही वही सेम कंटेंट देंगे बिकॉज दैट्स व्हाट द इंटरव्यू पैनल इज गोइंग टू आस्क यू सो जस्ट गो थ्रू इट लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड कॉस्ट आई मीन थर्टी डेज यू कैन टेक द थर्टी डेज प्लान एज वेल यूल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज सेट वीडियो क्लासेस एवरी थिंग इज देयर इवन थर्टी डेज का आप जो है कॉस्ट ले सकते हैं लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन And list of our successful students, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and I'm going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.